क्लाउड स्टोरेज क्या होती है। तो जब भी हम बाहर कैमरा लगाते हैं तो हमें ये रहता है कि यार कैमरा अगर चोरी हो गया तो मेमोरी कार्ड भी साथ चला जाएगा, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपका वाईफाई कैमरा आउटडोर में लगा है, या आपका 4G सिम वाला कैमरा है, या फिर आपके ऑफिस या घर पे 4-5 कैमरे लगे हैं जो DVR होता है जिसमें हार्ड डिस्क लगती है, तो कई बार क्या होता है चोर आते हैं वो DVR भी उठा करके ले जाते हैं, पूरी सारा सामान ही ले जाते हैं, तो हमको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। एक ही सॉल्यूशन है इसका, वो है क्लाउड स्टोरेज। आज बात करने वाले हैं जो कैमरे हम घर के बाहर लगाते हैं, सिंगल कैमराज लगाते हैं, जैसे वाईफाई वाले हो गए, एक या दो कैमरे लगे होते हैं अपने पास, या फिर सिम कार्ड वाले हो गए। तो देखो क्या होता है, बेसिकली हम मेमोरी कार्ड तो डालते ही हैं रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन अगर अपन को चाहिए यार हमने मेमोरी कार्ड नहीं डालना, या फिर अगर चोरी हो जाए तो भी हमें रिकॉर्डिंग मिल जाए, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है क्लाउड स्टोरेज। बेसिकली क्लाउड स्टोरेज क्या होती है कि जैसे आपने मान लो एक सिम वाला कैमरा लगा दिया, अभी उसमें रिकॉर्डिंग अगर मेमोरी कार्ड डालोगे तो रिकॉर्डिंग होगी, अगर क्लाउड स्टोरेज लोगे तो उसमें क्या है, जो रिकॉर्डिंग होगी ना वो सीधा कंपनी के सर्वर पे जाके सेव होगी। अगर बाई चांस आपका कैमरा चोरी हो जाएगा, मेमोरी कार्ड भी चोरी हो जाएगा साथ में, तो भी जो लास्ट 7 दिन की रिकॉर्डिंग है वो कंपनी के सर्वर पर सेव होगी, आपको कंपनी से वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, ताकि आप देख सकते हो कि भाई कौन लेकर गया है कैमरा या कैमरे के साथ हुआ क्या है। तो इसको बोल देते हैं क्लाउड स्टोरेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रू व्यू की बात करूं तो इनका जो रेंटल है क्लाउड स्टोरेज के लिए, अगर देखो आप 3 डेज वाला प्लान लेते हो तो वो है 650 फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए आपको 650 देने होंगे और ये लास्ट 3 दिन की रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे। इसके बाद आ जाता है ट्रू व्यू का, 850 एक साल का लेंगे और लास्ट 7 डेज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो क्लाउड स्टोरेज में कंपनी के सर्वर पर रिकॉर्डिंग सेव होगी, अगर आपका कैमरा बाई चांस चोरी होता है या कोई तोड़ देता है या मेमोरी कार्ड निकाल कर ले जाता है तो भी आपको लास्ट 7 डेज की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अभी बात करें अगर इजविज कंपनी की, तो उनका रेंटल है 3000 पर ईयर, 1 साल का 3000 लेंगे, लास्ट 7 डेज की मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग आपको क्लाउड स्टोरेज में देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गए अपने 4G वाले या वाईफाई वाले कैमराज। इसके बाद बात करते हैं वायर वाले कैमराज की, उसका भी एक आपको जबरदस्त सॉल्यूशन बताऊंगा। वायर वाले कैमराज में देखो, जैसे मेरे पास DVR लगा है, HD कैमरे लगे हैं, 5 या 6 लगे हैं, ठीक है, तो उनके लिए यार क्लाउड स्टोरेज नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती हो डायरेक्ट, थर्ड पार्टी क्लाउड स्टोरेजेस मिलेंगे, या कोई एक आध अगर कंपनी है भी तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो मान लो मेरे पास 8 HD कैमराज लगे हुए हैं DVR के साथ, और ये सारे के सारे 5-5 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, तो इनका डेटा ही बहुत ज्यादा हो जाता है, हर रोज की 40 GB के करीब इनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो अगर सर्वर लोगे, क्लाउड स्टोरेज लोगे, प्राइस इसका बहुत हाई जाएगा। तो HD कैमराज के लिए क्लाउड स्टोरेज को छोड़ना पड़ेगा, क्लाउड स्टोरेज का कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप IP में जाते हो, IP कैमरा में जाते हो, वहां पर भी आपको क्लाउड स्टोरेज तो बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन मैं आपको इसका एक और सोल्यूशन बता देता हूं। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने अपने ऑफिस में या अपने घर पे कैमरे लगा दिए, IP कैमरे घर के चारों तरफ लगा दिए, एक जगह पे आपने NVR फिट कर दिया, तो अगर आपको ये डर है कि भाई चोरी हो जाएगी तो चोर पूरा का पूरा NVR ले जाएंगे उठा करके, बीच में हार्ड डिस्क भी चली जाएगी तो रिकॉर्डिंग हमें नहीं मिलेगी, तो आप उसी NVR के साथ एक और NVR फिट कर सकते हो, यानी कि एक NVR तो जैसे नॉर्मल जिस जगह पे रखना है वहीं पे रखोगे, आप LED के पास रख दोगे या कहीं पे भी, एक NVR को आप छुपा करके लगा सकते हो, जिससे चोरों को वो NVR नहीं दिखेगा और नहीं मालूम पड़ेगा उनको कि यहाँ पर एक और NVR भी है और वहां पर आपकी रिकॉर्डिंग होगी। NVR को कैसे लगाना है ताकि चोर को ना मालूम पड़े कि यहाँ पर एक और NVR भी लगा है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हमने बना रखा है, बस थोड़ा सा एडिटिंग का काम बाकी है, वो जल्दी ही चैनल पर अपलोड होगा, और क्लाउड स्टोरेज को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, उसका मैंने के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया वीडियो का, वो भी आप देख सकते हो। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसका एक जल्दी से बहुत ही जबरदस्त वीडियो IP कैमरास पे अपलोड होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।